But Congress MP from Brahmapur, Adhiranjan Chaudhary Singh, has been seen defending Sam Pitroda's Chinese African analogy. Shahzad Poonawala shared a video clip wherein Adhiranjan Chaudhary could be seen saying that Pitroda's comments were his personal opinions. In a viral video, Adhiranjan Chaudhary is seen saying that we have proto Australoids, Mongoloids class, Negrita class of people in the demography of our country. Regional features are different. What someone said is his personal opinion, but it is true that some people are white, some are dark. Let's in fact listen in to the statements that have been made. मुझे कोई ज्यादा बोलने का कोई जरूरत नहीं, अपना सोच विचार रखते हैं। हमारे देश में प्रोटो ऑस्ट्रेलियन है, निग्रेटा है, मंगोलॉइड क्लास है, तो है। Okay, so we've now, of course, heard the statements that have been made by Adhiranjan Chaudhary. My colleague Renick joins us from the broadcast to give us more details on this. Renick, of course, we've heard what Adhiranjan Chaudhary had to say. He said that the statements, the controversial statements that have been made by Sam Pitroda are his personal opinion. He's further gone on to say that we are proto-Australoids, Mongoloid class, Negrita class. Give our viewers an understanding on this. And viewers, as my colleague gives you an understanding on the statements that have been made, I wanted to take a minute to search all these terms and decide for yourself how you feel. एक्चुअली देखिए, सैम पिट्रोडा की तरफ से जिस तरीके का कमेंट दिया गया था उस बारे में ही जब अधीररंजन चौधरी का पूछा गया था, अधीररंजन चौधरी की तरफ से इसका जो जवाब दिया गया उसको लेकर फिर से एक कंट्रोवर्सी चालू हो गया, क्योंकि अधीररंजन चौधरी की तरफ से इंडिया में तीन क्लास का क्लासीफाई किया गया है। तीनों क्लास इंडिया में है, इंडिया का डेमोग्राफी में तीनों क्लास बिलोंग करते हैं, ऐसा अधीरंजन चौधरी की तरफ से कहा गया। तीनों क्लास कौन सा है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियन, उसके साथ मंगोलियन, उसके साथ नेग्रिटिव। ये जो तीनों क्लास का डिविजन किया गया है, इसके साथ साथ ही अधीरंजन चौधरी की तरफ से जो कलर, जो स्किन कलर, उस स्किन कलर को लेकर भी कमेंट किया गया है। अधीरंजन चौधरी की तरफ से ये भी कहा गया कि जिस तरीके का कमेंट सैम पिट्रोडा की तरफ से किया गया है वो उनका खुद का जुबान है, वो खुद का मर्जी से जो कुछ भी चाहे वो कह सकते हैं। यानी जिस तरीके का कंट्रोवर्शियल कमेंट आया था उसको सपोर्ट करते हुए दिखा गया अधीररंजन चौधरी को। दूसरी तरफ अधीररंजन चौधरी का ये जो कमेंट सामने आने के बाद ही बीजेपी की तरफ से अधीररंजन चौधरी को लेकर फिर से एक बार अधीररंजन चौधरी के ऊपर हावी हुआ और कांग्रेस के ऊपर भी हावी हुआ बोल सकते हैं, क्योंकि अधीररंजन चौधरी की तरफ से इस तरीके का जो कमेंट, ये इंडिया का जो डेमोग्राफी, इंडिया का जो लोग रहते हैं, इंडिया का जो पीपल, उनको हर्ट करते हैं। उनके स्किन कलर को लेकर जिस तरीके का कमेंट किया गया था उसको डिफेंड करते हुए दिखा जा रहा है कांग्रेस लीडर अधीररंजन चौधरी को। इसको लेकर ही बीजेपी की तरफ से सवाल उठाया गया है कि कांग्रेस इस बारे में क्या स्टेप लेगा, मगर कांग्रेस की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई स्टेप नहीं लिया गया, कोई कमेंट भी नहीं किया गया अधीररंजन चौधरी के इस कमेंट के बाद। अधीररंजन चौधरी ने जिस तरीके से इंडिया का पीपल को तीनों जगह में डिवाइड किया है, तीनों कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिस तरीके का कमेंट अधीररंजन चौधरी की तरफ से किया गया है, इसको लेकर जो पॉलिटिकल चर्चा, वो पॉलिटिकल चर्चा भी जारी है। अधीररंजन चौधरी की तरफ से ये भी कहा गया है कि व्हाइट और ब्लैक, ये जो स्किन कलर, ये स्किन कलर बिलोंग करता है इंडिया में, और ये तीनों क्लास भी बिलोंग करता है, तीनों कैटेगरी बिलोंग करता है इंडिया में। तो हम लोगों का देश में इस तरीके का डेमोग्राफी में दिखा जाता है ये तीनों कैटेगरी, ऐसा अधीररंजन चौधरी की तरफ से कहा गया है। इसको लेकर फिर से एक बार चर्चा सामने आ गया है कि अधीररंजन चौधरी जो एक सीनियर लीडर है कांग्रेस का, वो देश के बारे में इस तरीके का बयान किस तरीके से दे सकते हैं। जिस तरीके का कमेंट को लेकर कंट्रोवर्सी चल रहा है, उस कमेंट को डिफेंड करने का काम अधीररंजन चौधरी की तरफ से किस तरीके से किया जा रहा है, इसको लेकर बीजेपी सवाल उठा रहा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.